नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 14 Pro वर्सेस Tecno Power 6 Neo का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 6.39 इंच जबकि Power 6 Neo में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 2.93 इंच जबकि Power 6 Neo में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 0.32 इंच जबकि Power 6 Neo में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 190 ग्राम जबकि Power 6 Neo में 192.3 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में AMOLED जबकि Power 6 Neo में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 1220x2712px FHD+ और Power 6 Neo में 720x1600px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 88.95% जबकि Power 6 Neo में 84.56% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 446 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Power 6 Neo में 263 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Power 6 Neo की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Power 6 Neo की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Power 6 Neo में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में Mali-G 615 MC2 जबकि Power 6 Neo में Mali-G 57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में MediaTek Dimensity 7300 Ultra और Power 6 Neo में MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें RAM की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 8GB की RAM मिलती है, जबकि Power 6 Neo में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Power 6 Neo में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में नहीं है, जबकि Power 6 Neo में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 5500 mAh जबकि Power 6 Neo में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 4
कलर्स, जबकि ओवर 6 नियो में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹20,000 में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें Poco 6 Neo की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹12,999, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹13,998 में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो पोवर 6 नियो की, तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में Xiaomi Redmi Note 14 Pro आगे है, मेन कैमरा में पोवर 6 नियो आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Xiaomi Redmi Note 14 Pro आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा वीवो Y200 Pro 5G है, तीसरा ओप्पो K12X 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें इन्फिनिक्स नोट 45G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।